रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में लापता युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। युवक की धारदार हथियार से अज्ञात लोगों द्वारा गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर में धारदार हथियार के कई वार किए गए हैं। फिलहाल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हथियारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दरअसल शहनाज वाज शहर कोतवाली क्षेत्र के वनलीगर का रहने वाला था और बीती शाम से वो लापता था। वहीं आज शहर कोतवाली क्षेत्र के नीर के ठोकरी गांव के निकट खपर मलंग कब्रिस्तान में शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या किसने और किस वजह से की इसकी तलाश में जुट गई है। मेरा नाम मोहम्मद लिया है और माँ का लड़का मेरा शहनवाज अहमद है, जिसको लेके गए हैं। कल शाम को घर से निकला है और वापस नहीं लौटा है, उसका मर्डर हो गया है। क्या किसी पर शक जताया जा रहा है? नहीं, शक तो किसी पर नहीं जाता, क्योंकि दुश्मनी किसी से थी ही नहीं। कल किस समय निकला था वो लगभग? अरे वो शाम को करीब निकला है, वही मगरिब और ईशा के आसपास निकला है। मुकदमा लिखा दिया गया है? हाँ, मुकदमा तो लिखा दिया गया है। क्या नाम है? शहनवाज। जिस लड़के को मर्डर हुआ उसके मैं चाचा हूँ, फैयाज अहमद। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? अब उसका मर्डर कर दिया गया, अब उसको बुला के बहाने से लेके गए, उसको मार दिया गया। अब इसमें कौन कौन है अज्ञात, वो तो बाद में मालूम होगा। कब गया था लड़का? कल गया। ईशा की नमाज के बाद वही करीब 6:30 बजे लगभग। अरशद खान, ये क्या मामला हुआ है, कैसे क्या हुआ है? मामला ये है कि शाम को जो है 5:30-6 के आसपास घर पे आए हैं, उसके बाद ये नमाज़ पढ़ने के लिए निकले हैं। जब ये नमाज़ पढ़ने के लिए गए फिर वहाँ से ये लौट के आए नहीं। वही करीब 7:30-8 बजे हमने जब इनका फ़ोन मिलाया तो इनका फ़ोन बंद बता रहा था, तो हमने सोचा कि नमाज़ पढ़ने गए होंगे, मस्जिद में होंगे, इसकी वजह से मोबाइल बंद है। उसके बाद भी हमने 8:30 से एक आध बार और ट्राई किया तो भी मोबाइल बंद था। उसके बाद से फिर जो है इनका सुबह में मालूम पड़ रहा है कि मर्डर हो गया इनको। अब किसने किया, कैसे किया, क्या हुआ, इसके बारे में तो नहीं मालूम। सर, एक युवक जी, देखिए आज सुबह हमको एक सूचना आई थाना कोतवाली क्षेत्र से, एक कब्रिस्तान के पास खबर मलंग करके एक जगह है, वहाँ पे एक बॉडी के पाए जाने की सूचना हम लोगों को आई। तो जैसे जैसे हमारे सक्षम अधिकारियों ने, सभी ने मौके का मुआयना किया, एसओ ने, सीओ साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने, और हमारे द्वारा भी तत्काल मौके का मुआयना किया गया। तो वहाँ पर हमने एक लगभग 25 वर्षीय एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शाहनवाज है, उनकी डेड बॉडी को हमने वहाँ पे पाया, जिनका गला किसी धारदार हथियार से रेता गया है और उसके अलावा बॉडी पे अन्य जगह भी कुछ हमले धारदार हथियार से हैं। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्लियर है ये मोटे तौर पे जो प्राइमा फेशी तथ्य हमारे सामने आए हैं उसमें ये हत्या की तरफ इंगित करता है। वादी से तहरीर ले ली गई है, जो इनके भाई हैं वो तहरीर थाने पे दे रहे हैं, उसके अनुरूप मुकदमा कायम करके हम लोगों को विश्वास है कि बहुत ही जल्दी इस मामले को हम लोग खुलासा करके दोषियों को जेल भेजेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।